the next function which we are going to do is nested if. Nested if होता है एक if statement के अंदर जब हम लोग और if statements use करते हैं तो उसको हम लोग nested if बोलते हैं. Now what is the use of it? पहले तो if function अगर आपको याद है एक बार revise कर लेते हैं. If statement के अंदर तीन आपके arguments जाते हैं. पहला is the logical test which you want to give. अगर ये logical test true है तो आपको क्या value चाहिए. अगर ये logical test false है तो आपको क्या value चाहिए. These are the three arguments which you can get using the if function. Okay, मेरे पास एक data set है. Now again this is very widely used, nested if. It is not at all difficult, it's very easy and काफ़ी ज़्यादा use आता है. Generally हम लोग तीन चार पाँच if statement एक साथ use करते हैं एक ही function में. And it's just about practice, कि आप कैसे उसको practice करते हो, कैसे समझते हो, and it becomes very easy. This is the small data set which I have with myself. Name है, math का marks है. Now suppose मुझे grade देने हैं, and grade should be according to this particular format. अगर marks is below 40%, तो grade होना चाहिए F. अगर marks is between 40 to 75%, तो grade होना चाहिए A. If it is more than 75%, तो होना चाहिए AA. This should be the system of grading. Now let us suppose हम लोग start करते हैं अपना if statement लिखना. अब अगर आप लोग इसको एक if statement से लिखने का कोशिश करो तो आपको ये outcome नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप लोग if एक ही एक statement आप लोग use करो if statement, तो यहाँ पे logical test आप लोग क्या दोगे. Less than 40%, if it is true value should be F, if it is false तो value क्या A की AA. तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आता है. एक इफ स्टेटमेंट से आप इसको नहीं बना सकते, आपको मिनिमम यहाँ पे दो इफ स्टेटमेंट तो यूज़ करना ही पड़ेगा. नाउ लेट अस सपोज आर लॉजिकल टेस्ट इज, ये मेरा मार्क्स है, दिस इफ दिस इज़ लेस देन 40%, इफ दिस इज़ लेस देन 40%, तो दो चीज़ वैल्यू इफ ट्रू अगर है, इफ दिस इज़ लेस देन 40%, तो आपका वैल्यू में क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए, एफ आना चाहिए. तो हम इसको एफ लिख देंगे इफ़ दिस इज़ बिलो 40%. नाउ इफ दिस इज़ नॉट बिलो 40%, तो दो ऑप्शन है आपके पास, यानी कि ये आपका 40% से बड़ा है. अब 40% से बड़ा है तो क्या 75% से छोटा है. अगर छोटा है तो ए, अगर बड़ा है तो डबल ए. सो दो ऑप्शन आ गए. अब वापस से जब आपके पास दो ऑप्शन आ गए तो वापस आपको एक इफ स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा. तो वैल्यू इफ फॉल्स में हम वापस से एक इफ यहाँ पे लिखेंगे एंड वापस हम लोग एक इफ स्टेटमेंट रन करेंगे. नाउ व्हाट विल बी द लॉजिकल टेस्ट. लॉजिकल टेस्ट विल अगेन बी दिस इज लेस देन 75%. इसका क्या मतलब है, ये जो हम लोग अभी यहाँ पे लिख रहे हैं ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट, इसका मतलब है कि मेरा जो सेल है इज़ मोर देन 40%. नाउ इफ इट इज़ मोर देन 40%, वेदर इट इज़ लेस देन 75% और मोर देन 75%, ये हमें देखना है. तो अगर ये 75% से कम है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए, सिंगल ए. तो हम यहाँ पे सिंगल ए लिख देंगे कोटेशंस में. अगर ये 75% से बड़ा है तो हमें क्या चाहिए, डबल ए चाहिए. हम डबल ए यहाँ पे सिंपली लिख देंगे. ब्रैकेट क्लोज, देखो एक ब्रैकेट जब हम क्लोज करते हैं तो देखो ग्रीन वाला ब्रैकेट क्लोज हो रहा है. ब्रैकेट आर कलरफुल इन एक्सेल सो दैट यू नो इट्स हेल्पफुल कि आपको पता चले कि आपका ब्रैकेट्स क्लोज हो रहा है कि नहीं. एक और ब्रैकेट क्लोज करना है तो ये ब्लैक वाला भी क्लोज हो गया. एंड सिंपली आई रन इट, आई जूम इट फॉर योर कन्वीनियंस. बेसिकली मैंने क्या किया, वापस से देखो, मेरा फर्स्ट लॉजिकल टेस्ट इट इज़ लेस दैन 40%. इफ़ इट इज़ लेस दैन 40% तो मुझे फॉल्स चाहिए, तो मैंने एफ लिख दिया वैल्यू इफ ट्रू में. इफ़ इट इज़ नॉट लेस दैन 40%, इट इज़ मोर दैन 40%, तो दो चीज़ हो सकते हैं, इट कैन बी लेस दैन 75% और इट कैन बी मोर दैन 75%. तो वैल्यू इफ ट्रू में, वैल्यू इफ ट्रू में हम क्या करेंगे, दो ऑप्शंस के लिए पहला ऑप्शन लेंगे, इट शुड बी लेस दैन 75%. इफ़ इट इज़ लेस दैन 75%, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यानी कि 40% से बड़ा है और 75% से छोटा है, यानी कि ये वाला कंडीशन. तो हमें वैल्यू इफ ट्रू में ए चाहिए, अदरवाइज हमें डबल ए चाहिए. तो ये जो मैंने पूरा इफ फंक्शन लिखा, ये मैंने कहाँ लिखा है, वैल्यू इफ ट्रू में लिखा है. एक और इफ फंक्शन, अगर यहाँ पे एक और क्राइटेरिया होता, मे बी 75% और 90% के बीच में क्राइटेरिया होता, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डबल ए हम लोग एक और इफ स्टेटमेंट डाल सकते थे टू कैलकुलेट अनदर पॉसिबिलिटी. सो दिस इज़ हाउ, एक बार ड्रैग करके देखेंगे.
एंड देखो यहाँ पे इट इज 30% विच इज़ लेस देन 40 एफ आया, दिस इज अबव 80 75, दिस इज़ बिटवीन 40 एंड 75, तो ए आर है. दिस इज हाउ यू कैन पुट द ग्रेड यूजिंग डबल इफ स्टेटमेंट. एक और कंडीशन होने से एक और इफ स्टेटमेंट लगाते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन दैट. नाउ दिस इज द फॉर्मेट. आप लोग उल्टा भी कर सकते हो, आप लोग स्टार्ट कर सकते हो 75% से. इफ़ दिस सेल इज मोर देन, जैसे यहाँ मैंने जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है वो मैंने 40% से स्टार्ट किया है, आप लोग 75% से स्टार्ट कर सकते हो. इफ़ इट इज़ मोर देन 75% तो डबल ए, या फिर अगर इट इज़ लेस देन 75 तो वेदर इट इज़ मोर देन 40% और नॉट तो आपको ए चाहिए, तो अकॉर्डिंगली आप वो मैनेज कर सकते हो. इट इज़ ऑलवेज बेटर, इट इज़ ऑलवेज यूज़र फ्रेंडली कि आप लोग नीचे से स्टार्ट करो. ऊपर से स्टार्ट भी कर सकते हो, प्लीज़ ट्राई इट एट होम. आप लोग ऊपर से स्टार्ट करने का कोशिश करना, एंड अगर आपसे नहीं हो जस्ट गेट बैक टू मी, आई मेक वन मोर वीडियो कि हम यहाँ से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं यूजिंग इफ स्टेटमेंट एंड गेटिंग द सेम आउटपुट रिजल्ट.